अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू INA गोड फार्म। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आया। ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा फ्री हो गया हूँ मैं, क्या पलाई का भी काम है तो उसमें भी ध्यान देना पड़ता है, फिर बकरा ईद नज़दीक है तो सेलिंग भी है। ये एक बच्चा आया है, मालवा का बच्चा है और अल्लाह नेकी देवे दो चार दांत का है। ये आके इसको 15 दिन हो गया है, लेकिन जो जानवर बोलते हैं ना, ये इतना एक्टिव था माशाल्लाह, किसको देख के लगता नहीं था कि बीमार होगा। ये हमारे कस्टमर का जानवर है, पलाई का जानवर है। ये एक्चुअली आया था तभी मेरे को हल्का सी डाउट हो गया था, लेकिन खैर पलाई पे जानवर आया है तो ये हमारे लिए भी बड़ी बात है। कोई हमारे पे ट्रस्ट करके भेज रहा है तो हमारे को एक्सेप्ट करना, ऐसा नहीं कि इसको रिटर्न कर देवे। तो ये आते साथ 3 दिन में एकदम बैठ गया था, फिर अल्लाह के फजल से ये ठीक हुआ, खड़ा हुआ, फिट हुआ। फिर उसके बाद अभी 2 दिन से ये इसकी हालत वापस से ख़राब हुई। आप देख रहे हो इसकी नाक से एकदम पानी बह रहा है, तो ये जो है ये PPR की साइन है। ये 2 दिन से तो एकदम बैठा हुआ था, ये अल्लाह के फजल से आज खड़ा हुआ है। काफ़ी मेडिसिन देने के बाद अभी देखते ये आज भी इसका ट्रीटमेंट चालू है, जैसा भी रहेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कस्टमर को भी अपडेट मिलती रहेगी कि INA गोड फार्म पे मतलब क्या चल रहा है, हमारे जानवर कैसे क्या है। तो ये भी एक तरीका सही है कि लोगों को मालूम पड़ते रहे। वे देख रहे इसको PPR में एक्चुअली PPR में क्या है, जानवर काफ़ी टूट जाता है। पहले तो पेचिस के ज़रिए जितने जुलाब होते बदन के फ्लूट पूरे बाहर आ जाते, फिर मुँह नाक मुँह से भी फ्लूड आना चालू हो जाता है, पानी जो डिस्चार्ज होता है तो काफ़ी टूट जाता है जानवर। इसमें इलेक्ट्रोल पाउडर का यूज़ करें आप लोग, क्योंकि उससे काफ़ी उसको राहत मिलती है, अंदर जाता है तो मतलब तो खड़े होने में उसको ताकत मिलती है। और एक इंजेक्शन भी आती है, फ्लूड आता है एक वाइट कलर का, वो भी अच्छा काम करता है। लेकिन जितना हो सके इलेक्ट्रोल पाउडर का ही ज़्यादा यूज़ करें। अभी इसका तकरीबन अभी 1 बज रहा है, 3 बजे इसका एक और एक डोज है, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो मार के। यार मैं एक चीज़ बोलने का है मेरे को, ये पलाई का जो काम है ना, ये इतना आसान नहीं है। पलाई में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, केयर टेकिंग मीन्स कंप्लीट केयर टेकिंग करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि खाना डाल दिए, पीना डाल दिए, हो गया, पूरी पूरी रात पूरा पूरा दिन निकल जाता है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इस काबिल तो समझा कि अपन कुछ काम कर सके। देखो अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2 दिन से खाया नहीं था। इसका जो ग्लिसरीन आती है उससे इसकी ज़बान जो है, पूरा मुंह का जो छाला बोलो, अल्सर बोलो, वो भी क्लीन हो गया। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये यहाँ पर धुनी चालू है इसके लिए कि थोड़ा उसको जो ब्लॉकेज होएगा उसका थोड़ा फ्री हो जावे। ये अल्लाह के फजल से, और ये कभी भी ध्यान रखना PPR का जानवर जो भी रहेगा, जो भी भाई मेरा वीडियो देख रहा होगा, PPR का जानवर अनाज नहीं उठाता है, हरी पत्ती नहीं उठाएगा। हरी पत्ती एकदम कंप्लीट साफ होएगी, एकदम कंप्लीट फिल्टर, डबल ट्रिपल फिल्टर जिसको बोलेंगे अपन, तो ही वो शायद उठा लेवे, नहीं तो क्योंकि उसमें कांटे होते हैं। तो कोशिश करें कि अपना गेहूं का भूसा आता है वो हो गया, या तो ऐसे सॉफ्ट पत्ते हो गए, ये कम्प्लीटली सॉफ्ट है ये, तो ऐसी चीज़ दे। लिक्विड पे ज़्यादा रखे जानवर को, अभी भी सांस इसका खींच खींच के ले रहा है। देखो ये खड़ा हो गया है ना, तो अभी भी इसका 50% हुआ है, लेकिन 50% बाकी है। अल्लाह से दुआ करो ये जिसकी भी चीज़ है, अल्लाह ताला ये कंप्लीट हो जावे, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर पलाई के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जैसा भी इम्प्रूवमेंट होएगा तो इंशाल्लाह ताला मैं अपडेट देते रहूँगा, और अल्लाह नेकी देवे सेलिंग के लिए भी माल आते रहे, बिक रहे, सोल्ड आउट हो रहे, आ रहे जा रहे, अच्छा अल्लाह के फजल से अच्छा चल रहा है, आप भाइयों की दुआ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ी थकान भी हो गई है भाई,
हफ्ते 3:30-4 बजे, फिर इंशाल्लाह आराम से इसका कंप्लीट करके, फिर थोड़ा 2-4 घंटे की नींद लेके फिर सुबह 7 बजे उठने के। ओके, अल्लाह हाफिज़।